हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आपको HCG इंजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जनरली डॉक्टर्स इसे कब देते हैं और इसका क्या रोल होता है और HCG इंजेक्शन देने के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट को करना चाहिए। जब भी किसी महिला को कंसीव करने में परेशानी होती है या कोई इनफर्टिलिटी की इशू रहती है और वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर जो रहते हैं वो फॉलिकल स्टडी करते हैं और फॉलिकल स्टडी के थ्रू वो ये देखते हैं कि ओवरीज के अंदर जो अंडे हैं, अंडे की जो साइज़ है वो दिन पर दिन कितनी बढ़ रही है और इसके साथ ही साथ वो ओव्यूलेशन को भी ट्रैक करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये एक ओवरी है, ये दूसरा ओवरी है, ये एक फिलोपियन ट्यूब है, ये दूसरा फिलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है और ये वजाना है। जैसे जैसे हम ओव्यूलेशन के पास जाते हैं, हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है। उस बढ़े हुए ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से एक दूसरा हार्मोन LH हार्मोन जो रहता है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिसके कारण से इन दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी ग्रोन और मेच्योर एग को रिलीज करती है। अभी जनरली डॉक्टर्स जो रहते हैं वो HCG हार्मोन का इंजेक्शन क्यों देते हैं, उसका कारण ये है कि जो HCG हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है और जो LH हार्मोन का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होता है। तो जो LH हार्मोन का जो काम है वो HCG हार्मोन करता है, यानी जब एक मैच्योर हो जाता है तो उस इंजेक्शन को दिया जाता है और दे के ओवरी में से ग्रोन और मैच्योर एग को रिलीज किया जाता है। जैसे ही HCG हार्मोन का इंजेक्शन लगता है, करीब उसके 36 घंटे के बाद जो है ओवरी ग्रोन और मैच्योर एग को रिलीज करती है। तो इससे डॉक्टर्स को ये पता चल जाता है कि आने वाले 36 घंटे के बाद जो है ओवरी में से ग्रोन और मैच्योर एग जो रहेगा वो रिलीज होगा। इससे डॉक्टर्स को ये प्रॉफिट होता है कि अगर वो IVF ट्रीटमेंट करते हैं तो जब वो एग जो रहेगा वो 20 mm का पास करीब करीब पहुंच जाता है, तो जब वो ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं उसके 36 घंटे के बाद वो एग को ओवरी में से बाहर निकालते हैं। और अगर वो IUI फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, ओवुलेशन होने के पहले ही IUI ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के और साथ ही साथ उनको एक प्रॉपर टाइम फ्रेम भी मिलता है कि आने वाले 36 घंटे के बाद जो रहेगा वो ओवुलेशन हो सकता है। HCG हार्मोनल इंजेक्शन के अंदर HCG हार्मोन होता है। HCG हार्मोन ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये करीब 2 हफ्ते तक शरीर के अंदर रहता है। इसीलिए जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि HCG हार्मोन इंजेक्शन देने के 2 हफ्तों के बाद ही आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर आपने इसके पहले प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव भी शो करता है। इसके साथ ही साथ HCG हार्मोन जो रहता है उसका जो इंजेक्शन है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की जो लेवल है उसको बढ़ाए रखने में भी ये मदद करता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो रहता है वो प्रेगनेंसी को आने के लिए और प्रेगनेंसी टिकने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। थैंक यू।